मजे से गाड़ी में बैठ गया था मैं, चाबी तो अंदर ही भूल गए थे। व्लॉग हमने हैंडओवर कर लिया, मिल लिया है मतलब। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज डेट है आपकी 10th December, आज फ्राइडे है। एंड अभी हमने फिलहाल नाश्ता आश्ता अपना सब कुछ हो चुका है, खाना वाना आपने खा लिया है। एंड सो टाइम हो रहा है अभी 10:30 हो रहा है। सो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैं वहां सामान देने गया था अपना जूस का। सो अभी जाना है वहां, जाके सामान लेकर आना है। सो वहीं के लिए निकल रहा था मैं। सो मैंने कहा कि घर से ही इस व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, अब मैं वहीं के लिए निकल रहा हूँ। एंड जो मैं बोल रहा था कि एक्स्ट्रा डब्बे ले जाना है, तो उसके लिए डब्बे रख लेते हैं पहले। सो गाइस, ये हैं बॉक्स डब्बे जो हम लेके जा रहे हैं भाई, फॉर्च्यून के रिफाइंड वाले डब्बे लेके जा रहे हैं, इनको कल धो दिया था। सो ये हो गया, झोला भी है साथ में। सो निकलते हैं, और ये रहा अपना मोटर ब्लॉक का सेटअप। बस अब निकलते हैं अपनी जुपिटर में। मजे से गाड़ी में बैठ गया था मैं, चाबी तो अंदर ही भूल गए थे। मजे से मस्त बैठ के चल रहा था मैं। चलो कोई नहीं, आप रेडी हो, डब्बा गिर गया। साथ में अक्षिता को ले आ रहा हूँ। अक्षिता ये उठा लो, इसको भी कर लो, ये बॉक्स इसमें डाल दो, ये पकड़ के आप पीछे हो जाओ, फिर वहाँ से मैं आगे रख लूँगा इनको, ठीक है? हाँ। गाइस पहुँच गए, अंदर ही लगा देंगे गाड़ी सीधे, अब यहाँ पे लगाते हैं। ये है वो जगह। तो गाइस अपना सामान रख दिया इसमें, आ गया भाई, ले लिया। चलो बस निकलते हैं, एरिया देख लो, ऐसा कुछ एरिया है। चलो बड़े अक्षिता। तो गाइस ये है तो कुछ ऐसा एरिया, यहाँ वॉलीबॉल का मैच होता है। सो गाइस, इसमें कुछ ऐसा होता है, जैसे आपका 14 किलो निकला है तो 14 किलो के हिसाब से वो आपका 14 बोतलें देते हैं, और इनकी जो बॉटल होती है वो एक बॉटल इनकी 750 ml की होती है। तो उस हिसाब से ही आपका अगर 14 किलो निकला है या 10 किलो निकला है तो उस हिसाब से अपना एडजस्ट करके देते हैं। एक बोतल में आता है 750 ml, तो अप्रॉक्स इन्होंने बॉटल्स जो आपको देंगे वो तो 14 ही देंगे। तो अप्रॉक्स मतलब 14 किलो में आपकी 14 बॉटल्स आ गई हैं। तो 14 बॉटल के हिसाब से 14 बॉटल इन्होंने हमें 750 ml की दी है। वैसे इन्होंने कल बुलाया था, कल शाम को 4 बजे का टाइम दिया था, तो कल तो नहीं जा पाए थे, तो इसलिए अभी आज सुबह हम ये लेने आ गए। सो गाइस, बैग अपना रेडी है। एंड भाई अभी अर्जेंटली मैं निकल रहा हूँ नैनीताल के लिए, वहाँ से आने के बाद बस अभी थोड़ी दुखा हूँ। सो अभी अर्जेंटली मैं नैनीताल के निकल रहा हूँ, और अब आपसे डायरेक्ट सीधे नैनीताल में मुलाकात होगी। बाय। सो गाइस, अभी नैनीताल को जा रहे थे तो बताया भाई आपको। सो अभी हम रास्ते में रुके हैं। सो गाइस, अभी हम मुझे घाट पे रुके हुए हैं, चाय पानी नाश्ता चल रहा था। एंड जिनके साथ मैं सफर कर रहा हूँ उनसे मिलाता हूँ आपको। अरे शर्मा ये है शर्माने वाले लोग, ये मास्क पहन के शर्मा रहे भाई। इंट्रोडक्शन दे दो अपना, है मैं ही दूंगा। सो दिस माई सेल्फ, तेज बोला, आवाज नहीं आई तुम्हारी। माई सेल्फ पवनचंद। पवनचंद है, संजय बोल दे कुछ भाई, तुमने नाम बताया तो। और इन इनको तो पता ही है आप भाई, अपने हमारे दीपक भाई है भाई, सब सब जानते ही है भाई, दीपक भाई है हमारे व्लॉग में आते जाते हैं। सो आज हमारा सफर जो है जिनके साथ है वो ये भाई लोगों के साथ सफर कर रहे हैं। ये देखो, ये तो पता नहीं इससे जैसे शर्मा के, इसने तो वो पहन लिया, अबे उतार ले मास्क, ये पोजर बॉय है। कह रहे अभी शक्ल नहीं दिखानी है, क्योंकि नैनीताल जब पहुंचेंगे तो बढ़िया वाले पोज देख के बताएंगे आप इंट्रोडक्शन अपना। सही है, सही है, बिल्कुल यार। यार 2 दिन का है यार, 2 दिन का है। मैं कैमरा नहीं समझ पा रहा हूँ, कैमरा किस हिसाब से आ रहा है। सेल्फी में यूं आना चाहिए, ऐसे आधा सेल्फी नहीं कर लिया ना, बैक कैमरे से ले रहा है। ये होती जिंदगी, वाह। दैट्स द बस जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं। अभी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। तो हाँ दीपा भाई, क्या कहना चाहोगे? भैया लोग अंदर पैक हो गए भाई। वैसे बता देता हूँ, ये तल्ली दाल की मार्केट है, जब भी आता हूँ बताता ही हूँ। तो गाइस अभी बैठे हुए स्पाइस अफेयर में, स्पाइस अफेयर में जो ऑर्डर किया है, ऑर्डर सम थुप्पा, ये दीपा भाई का, ये मेरा है, संजय, और इसका आने वाले मोमोज, बहुत सबसे बैच है भैया के साथ। ये वाली चटनी डालते हैं, मजा आता है, सारा धुआं निकल जाता है भाई इसके साथ। अमित म्योनीज 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 भी डलेगी अभी भाई, मेरी बाबा की उसमें डल गई है, अपने उसमें डाल दी, बची है क्या? अबे यार मंगवानी मंगवानी पड़ेगी। तो ये सब डाल दिया भाई, म्योनीज भी जाए, चटनी भी मिक्स कर दी है, अपना हो गया रेडी। भाई लोगों के मोमोज नहीं, इन्होंने सबसे पहले मोमोज मंगवाए थे, जल्दी आ जाएंगे। कैसा लग रहा है यार, दोबारा दोबारा एक ही चीज की एक्टिंग करने में, दूसरा करते हैं।
मोमोज बनाने का भाई यार अभी बोला था यार और स्वाद भाई चटनी डाल के मुझे बैठे बैठे सो गाइस हमें एक ने और ज्वाइन कर लिया अमित भाई ने अबे पैर टूटना शुरू हो गया ठीक है ठीक है अमित भाई आए हैं भाई अपने हाँ भाई कुछ कर लो ऑर्डर कुछ ऑर्डर नहीं सब खाया हुआ है पेट घर से खा के सब सच बात है क्या कट कर इसको इसको कट कर इससे कट नहीं होगा भाई सो गाइस हैव अ ब्यूटीफुल लुक ऑफ नैनीताल अब दिखाता हूँ आपको नैनी लेक दिखाते हैं आपको दैट्स द ब्यूटीफुल आई लव नैनीताल दैट्स ब्यूटीफुल लेक अभी भाई लोगों को ठंडा लग गया तो ऊपर कि चेंज करके आते हैं उसके आ रहेंगे सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:40 और अभी देखो भाई कितना ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है भाई नैनीताल का तो फिलहाल सामने कुछ ऐसा है ऐसा कुछ व्यू है और बादल वादल लगे हुए हैं अभी ये पूरा वाला पूरा फॉग से ढक चुका था लेकिन अभी थोड़ा सही हो गया है और बादल आ गए हैं और यहाँ पे नीचे का कुछ ऐसा हो रहा है दैट्स दी चाइना पीक हल्द्वानी के कंपैरिजन में काफ़ी ठंडा है यार इस एरिया में बढ़िया है भाई ठंडा बहुत है यहाँ टेम्परेचर भी 7 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है भाई तो उस हिसाब से लगा लो आप कितना सही हो रहा है यहाँ बढ़िया मौसम चिल्ड वाला हो रहा है नैनीताल में अब क्या स्टार्ट करें इसमें यो ऑन क्या स्टार्ट करें भाई बोलना साले चल फिर से रीटेक करेंगे हेलो गाइस और कौन बोल भाई क्या हाल है तेरे हेलो दोस्तों मैं नाम रहेगी साले अभी मनी का व्लॉग हमने हैंडओवर कर लिया है उनसे छीन लिया है मतलब है ना ये रहा मनी क्योंकि बेचारा बहुत थक चुका है कैमरा पकड़ पकड़ के थक चुका है अच्छा देख रहे भाई लोग क्या बोल रहे करो 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 अब हैंगर पूरा नैनीताल आप लोगों को हम दिखाएंगे हमारी नजरों से भाई देखो यहाँ खूबसूरत नजारे देखो ये अरे अरे स्मार्टी का इन द वर्ल्ड यो नमस्कार नमस्कार दाजी सो यार जी आपकी नैनीताल की बहुत क्या मार्केट है पूरी वैसे वीकेंड है वीकेंड में तो होनी चाहिए फ्राइडे सैटरडे संडे अब देखो कितनी अभी अंदर को घुसरा अंदर यहाँ से दिख रही है कि भाई है काफी है माँ नंदा देवी अंदर यहाँ पे अभी पंडित जी हैं यह है माँ नंदा देवी जी ये कुछ मंदिर का परिसर है तो वहाँ पे हनुमान जी वहाँ पे अभी दिखाते नंदी जी सो गाइस मंदिर के दर्शन कर लिए हम चल रहे हैं एंड एक चीज़ और दिखा देता हूँ यह है जो आरती होती है उसकी लौ है ये सो दर्शन दर्शन कर लिए मंदिर से एंड अब चलते हैं फटाफट और यह है हनुमान जी एंड गाइस यह है ओवरऑल परिसर मंदिर का तो गाइस आज इधर वाली जितनी ये पीछे देख रहे हो आप सारी भोटिया मार्केट आज पता नहीं क्यों बंद है और सिर्फ खाने वाला आइटम खुला हुआ है आज सारा जितना भी ये खाने का आइटम है ये खुला हुआ है एंड ओवरऑल ये सारी दुकानें बंद है पता नहीं क्यों बंद है आज एंड यहाँ से भाई पहाड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं गाइस नैनीताल में यार एक चीज़ इन्होंने जो मुझे अभी तक बढ़िया लगी वो ये सही है कि इन्होंने जो ये मॉल रोड के साइड में जो ये फुटपाथ बना दिया पूरा इसमें पूरी मस्त वाली लाइटिंग लगा दी है रास्ता बना दिया इन्होंने मॉल रोड के जस्ट साइड में चलने के लिए और ऐसी कुछ लाइट लगाई है ब्लू कलर्स की सो भाई पूरा पाथ बहुत बढ़िया लग रहा है यार ये देखो चलने के लिए सही है इवनिंग टाइम पे यहाँ पे चलने के लिए वॉक करने के लिए बहुत बढ़िया और नाइट में भी जैसे अगर कोई नाइट वॉक पे जाना चाहता हो तो बहुत बढ़िया एरिया बना दिया भाई इन्होंने तो गाइस इसके साथ आज का व्लॉग करना चाहेंगे हम एंड एंड जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना उससे आपको पता चल जाएगा मेरा व्लॉग कब आया एंड इस व्यू के साथ यह है नैनीताल के रात का सीन और इसी के साथ व्लॉग हो गया है एंड बाय बाय दोस्तों।